बरेली में दोपहर में एसएसपी दफ्तर में उस समय हंगामा मच गया जब एक हाथ में जूतों का हार लेकर पहुंची महिला वहां मौजूद दरोगा पर चप्पल लेकर बरस पड़ी। महिला की इस हरकत पर वहां मौजूद पुलिसकर्मी व लोगों ने महिला को रोकने की कोशिश की, लेकिन महिला नहीं मानी और दरोगा पर चप्पलें बरसाती रही। वहां मौजूद लोगों ने इस घटना का कई वीडियो भी बनाए हैं। महिला ने ऐसा क्यों किया, इस बात पर जांच पड़ताल भी चल रही है। जिस वक्त यह घटना हुई, बताया जाता है कि उस समय एसएसपी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं थे। कप्तान ऑफिस में दरोगा पर चप्पलें बरसाने वाली 45 वर्षीय महिला बहेड़ी की फरीदपुर नगर पंचायत की रहने वाली है और उसकी शादी भी नहीं हुई है। बताया जाता है कि इस महिला ने एक साल पहले कुछ लोगों के विरुद्ध शारीरिक दुष्कर्म की शिकायत करते हुए फरीदपुर चौकी पर शिकायत की थी। तब यह दरोगा फरीदपुर में तैनात थे। महिला का आरोप है कि इसकी शिकायत पर दरोगा ने एक तरफा पंचायत कराकर उस मामले को निपटा दिया था और बाद में उसे षड्यंत्र के तहत जेल भेज दिया था। ये महिला दरोगा से चिढ़ी हुई थी और आज उसने एसएसपी दफ्तर में दरोगा को देखते ही चप्पलों की बौछार शुरू कर दी। घटना के समय वहां काफी हंगामा मचा। मौजूद महिला पुलिसकर्मी ने महिला को वहां दरोगा से जैसे तैसे छुड़ाकर महिला थाने पहुंचाया। इस घटना में कई ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर मिलना अभी बाकी है। महिला एसएसपी दफ्तर में चप्पलों का हार क्यों लेकर पहुंची थी? क्या महिला को दरोगा के वहां मौजूद होने की जानकारी पहले से थी या यह महिला किसी और के लिए चप्पलों का हार लेकर पहुंची थी, लेकिन वहां दरोगा मोहित चौधरी उसे मिल गए? दरोगा मोहित चौधरी ने फोन पर बातचीत में बताया कि महिला दिमागी रूप से विक्षिप्त है और आए दिन ऐसी हरकतें करती रहती है। उन्होंने बताया कि बहेड़ी थाने में भी महिला कई बार उल्टी सीधी हरकतें कर चुकी है, जिस पर बहेड़ी इंस्पेक्टर भी उसका शांति भंग में चालान काट चुके हैं। संवाददाता सत्यवीर सागर की रिपोर्ट।